सृष्टि वेलफेयर सोसाइटी ने लघु फिल्म जल का प्रीमियर शो होटल पीएल पैलेस में किया। फिल्म के माध्यम से लोगों को जल संरक्षण का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में जल पुरुष डॉक्टर राजन सिंह मौजूद रहे। जल संरक्षण के प्रति जन जागरूकता के लिए सृष्टि वेलफेयर सोसाइटी आगरा ने लघु फिल्म जल का अभी हाल ही में निर्माण किया है। रविवार को एक कार्यक्रम में संस्था ने शहर के लोगों को इस फिल्म को एक शो में दिखाया। लघु फिल्म जल के प्रीमियर शो में मौजूद सभी अतिथियों का सम्मान संस्था अध्यक्ष आरपी द्विवेदी ने गर्मजोशी से किया। मीडिया प्रतिनिधियों से रूबरू होते हुए आरपी द्विवेदी ने बताया कि हमारे देश में वर्ष 2030 तक पीने योग्य पानी बहुत कम मात्रा में बचेगा। अगर हमने जल को बचाने का प्रयास नहीं किया तो हमारी आने वाली पीढ़ी को पेयजल सही तरह से उपलब्ध नहीं होगा। इसको ध्यान में रखकर संस्था ने इस फिल्म का निर्माण किया है। पानी का मुद्दा हमारे दिमाग में तब चढ़ा जब केप टाउन में, अफ्रीका के केप टाउन शहर में पानी की क्राइसिस हुई, और उसके बाद हमारे मद्रास में हुई, फिर बंगलोर में हुई, और उसके बाद तब हम इस समस्या में अंदर घुसे तो पता लगा कि हमारा हिंदुस्तान, लगभग आधा हिंदुस्तान 2030 तक इसी समस्या से ग्रसित हो जाएगा, और 2050 तक समूचा हिंदुस्तान इस समस्या से ग्रसित हो जाएगा। पानी हमारे पास बहुत लिमिटेड है। दुनिया की 18% जनसंख्या हमारे पास है और दुनिया का 4% केवल पानी हमारे पास है। तो इसलिए दुनिया से हमारी समस्या बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे पास आबादी ज़्यादा है, पानी कम है, जबकि दुनिया के और देशों में जहाँ आबादी कम है, पानी ज़्यादा है, तो जब वहाँ भी ये समस्या हो रही है तो हमारे यहाँ क्या गत होने वाली है। इस भावना को लेकर के मैंने इस फिल्म का निर्माण किया। समाज में जागरूकता फैलाना है कि जो जल अब बहुत कम रह गया है, 2030 और 50 तक शायद ख़त्म ना हो जाए, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं। केप टाउन में हम हाल देख चुके हैं उस देश का। ये हमारे देश बेंगलोर में भी शुरुआत हो चुकी है कि कैसे सरकार ने वहाँ पर पाबंदी लगा दी है कि आप 15 लीटर से ज़्यादा पानी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये शहर आगरा में हो सकता है, ये दिल्ली में हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। अगर हमने उसके बचाव पर, पानी का जो पीने योग्य पानी है उसकी तरफ अगर हमने बचाने पर ध्यान नहीं दिया, हमने उसकी बर्बादी नहीं रोकी, तो शायद हम अपने बच्चों को जल की एक बूंद भी नहीं दे पाए। फिल्म के प्रीमियर शो में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय कार्यवाहक डॉक्टर प्रमोद शर्मा, मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह, न्यूरोसर्जन डॉक्टर आरसी मिश्रा, प्रख्यात अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर डीवी शर्मा मौजूद रहे। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।